You're all this for. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा आवाज आ रही है प्लीज। ये कल एक क्वेश्चन स्टार्ट करने लगते हैं, करवाएं जरा शुरू। क्या क्या बनाना है सर? कैश बजट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बताए, क्या बनाना है सर? कैश बजट जी सर, वर्किंग्स काफी ज्यादा है, बड़ा सा सवाल है आपके सामने, हिम्मत कीजिएगा, कैलकुलेटर्स को पढ़ेंगे। वर्किंग स्टार्ट तो स्टार्ट लिए बात इसमें, अच्छा किए, अच्छा किए। नहीं आप पिछले सवाल फाइनल कर रहे हो, जिन सवालों में जरा कटिंग हो गई थी वो आप ठीक कर रहे, साफ सुथरा कर, मुझे पता है। जनरल इंश्योरेंस का लिए कैश बजट पहले बन रहा है, डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बनी है। आई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सवाल देख के जरा प्रिंसिपली काइंडली कुछ फिगर्स के बारे में जरा डिसीजन लेने के क्या क्या होगा। मतलब किस किस की रिसीट्स या पेमेंट्स आनी है हमारे क्वेश्चन में जरा देख लेना। हाँ जी, सेल की रिसीट्स है, लेकिन लास्ट पैराग्राफ देखें, कैश सेल्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स भी, ठीक है। रिसीट्स में कैश सेल्स, क्रेडिट सेल की रिसीट्स, फिर लास्ट पॉइंट में ही क्रेडिट कस्टमर्स के डेज भी बताए हुए, 40 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट्स में अगर हम आ जाए तो मेन मेन पेमेंट्स भी नजर आती हैं, ऊपर से शुरू करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की पेमेंट, परचेज की पेमेंट, लेबर एक्सपेंसेस की पेमेंट, वेरिएबल ओवरहेड्स की पेमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी पेमेंट। लेकिन नीचे जरा जाए कैंडी पॉइंट नंबर 6 में, उसमें फिर कुछ डेज वगैरह उसने बताए हुए एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। पेमेंट जो मटेरियल की परचेजेस की हैं वो 50 डेज की हैं, डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट लेबर पढ़ के बताइए क्या, नहीं डायरेक्ट लेबर की जो पेमेंट होगा बताया उसने 2500 ईच मंथ का मतलब क्या, अगले महीने की 2500, 2500 ईच मंथ, हर महीने की 2500। तो मेरा ख्याल है जनवरी की 2500, लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस होंगे ऑल वो 30 डेज में। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आएगा, फिगर्स काफी सारी है लेकिन बारे में क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। ये लोटस वगैरह जो थे ना उनमें जरा गेम ज्यादा ऑन थी, इसमें डाटा तो ज्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन प्लीज अच्छी एफर्ट होनी चाहिए इस पर। पॉइंट नंबर 3 में लॉसेस का तो चलिए मैं साथ साथ पूछूंगा, ये पॉइंट नंबर 3 की थर्ड लाइन पढ़ेगा, फिर जो सेल प्रोसीड्स होंगी, नहीं अब ये मिक्स नहीं ना करना, वो ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस होगी, लेकिन अब कैश बजट बना रहे हैं, क्या रिसीट फ्रॉम वेस्टेज भी एज एन इनफ्लो आएगा, कैश डेबिट भी तो होगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में अगर आप जाएंगे तो फिक्स फैक्टरीज में डेप्रिसिएशन शायद नॉन कैश है, लेकिन उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन के अलावा कोई चीज होगी तो उसकी पेमेंट भी आएगी। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 5 में जो स्टोरी आई थी, 28 लाख की भी पेमेंट होगी, होगी सर। और फिर उसके बाद जो पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट सोल्ड उसके हिसाब से भी पेमेंट आएगी। सिमिलरली एडमिन एक्सपेंसेस भी हैं, फिर सेल्स कैंपेन भी हैं, तो काफी सारे खर्चे हैं। आइए शुरू कर, कहाँ से स्टार्ट लेना, ओपनिंग बैलेंस होना, जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें कमेंसमेंट का बताया, कैश इंफॉर्मेशन नहीं है ये, ठीक है जी। रुपीज इन मिलियंस में कर, मेरा ख्याल जिसका जो दिल करेगा, क्या ख्याल है आप कौन सा देख के लिख रहे हैं, सोच के लिख रहे हैं, और अगर आपको थाउजेंड्स में या पूरी फिगर नजर आ भी गई तो आप अकॉर्डिंगली मिलियंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसमें मेरे ख्याल कोई साइंस नहीं, सिंपली वही है।
नहीं, अब आपको पता चल गया इसमें मैंने बोलना है। रुपीज में मैं लिख रहा हूँ सर, हमें भी लिखना पड़ेगा। इनिशिएटिव लिया करें सर, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपसे पेपर में राउंड ऑफ भी नहीं होगा, मिलियंस में करें आप लोग, मुझे करने दे, मैं जैसे करता हूँ आप लोग मिलियंस में करके देते। जो ओपनिंग बैलेंस मिल गया, ये मिल गया जीरो, मिल गया जीरो, या जीरो मिल गया। रिसीट सर, रिसीट फ्रॉम कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गेम ऑफ वर्किंग, क्या चाहिए होगा हमें? सेल्स चाहिए होगी, कैश सेल्स भी हैं, क्रेडिट सेल्स। सेल्स तक कैसे पहुंचे? डाटा पढ़, डाटा जी। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर सेवन जो है ना, यही इसमें रेलिवेंट है। कैश सेल और कैश सेल का भी यहीं से पता चला, ठीक है। डेटर डेज भी यही पता चला है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक दिया हुआ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मीनिंग जरा रिवाइज करवा था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ट्वेंटी परसेंट में व्हाट इज हंड्रेड, क्लियर है सारा? 20% फॉर्मूला बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, व्हाट इज 100 सेल, व्हाट इज 20 कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज 120, 120 कुछ नहीं, सेल 100 रुपया सेल है, सेल 100 रुपए के अंदर कंट्रीब्यूशन होगी, मार्जिन दिए हो, नहीं मार्क का मार्जिन थोड़ा जो भी है, मार्जिन 100 सेल है, 20 कंट्रीब्यूशन है, 120 कुछ होगा या 1 या 80 कुछ होगा, क्या 80? हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ना, थोड़ा सा जज्बाती है, जरा ज्यादा हुई है। कंट्रीब्यूशन आपने कहा 20, ग्रॉस वाली या नेट वाली? कंट्रीब्यूशन के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो नेट थी, बचपन में नेट होती थी, सही वर्ड्स लिखे साहब, एक्सप्लेन कर देख लो। ये हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल, है ना? अब मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे आप लोग, अभी बनाइए थोड़ा देर, कल परसों बनाइए, निकालिए, लोटस में बनाइए, रेनबो में बनाइए, मार्जिनल कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट को प्रॉफिट लॉस के सामने रखें, बल्कि ये रोजों में नहीं है, कहीं कोई एक रखे थे। सेल से शुरू करते हैं आप, और जब कंट्रीब्यूशन वर्ड हो तो प्लीज इसका मीनिंग नेट होता है, ये रिवाइज कर लेंगे, नेट कंट्रीब्यूशन, हाँ ग्रॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ कंट्रीब्यूशन वर्ड हो तो नेट कंट्रीब्यूशन। अब सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में, नेट कंट्रीब्यूशन के दरमियान में क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच मीन्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, या इसका के लिए प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल हो जाएगा, सीधा चलेंगे तो सेल लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मैं इधर से उस तरह से लिख रहा हूँ जिस तरह से मार्का मार्जिन में लिखता था परसेंटेजेस के एंगल से, तो सेल अगर 100 है, सेल अगर 100 है, कंट्रीब्यूशन अगर 20 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80 है, 80 है, और अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% है क्रेडिट सेल्स का, तो सेल 100 है, कंट्रीब्यूशन 25 है, तो देयरफॉर 75 टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। अब इस केस में यहां तक एक भी नोट करना, बाकी कर लेते हैं। इस केस में उसने हमें सेल प्राइस भी नहीं बताई, लेकिन मार्जिन बता दिया। तो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें तो वो 80 और 75 रिस्पेक्टिवली होगी, और वहां से हम सेल प्राइस ढूंढ सकते हैं, 80 एंड 75 रिस्पेक्टिवली कैश एंड क्रेडिट,
क्या अगर मिल जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए तो हम सेल प्राइस तक जा सकते, लेकिन शायद उससे भी पहले फिर हमें अभी क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। ये ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट साथ? तो सबसे पहले शायद हमें अब सेल क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी और फिर सेल प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। सेल आएगी तो रसीट होगी, कैश सेल की तो एज इट इज रसीट हो जाएगी, क्रेडिट सेल अगर है तो उसका फिर डेटर अकाउंट शॉर्ट अप बनाएंगे। तो सेल चाहिए, अब हमें सेल कैसे मिलेगी, सेल क्वांटिटी कैसे मिलेगी, ढूंढने की कोई डाटा है? पूरा शुरू ऊपर से शुरू करना जरा, मतलब देखा सारा पॉइंट वन में प्रोडक्शन की यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस क्वार्टर में 60% कैपेसिटी यूटिलाइज होनी है और फिर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, उसने कहा सब्सिक्वेंट क्वार्टर सेकंड होगा या थर्ड होगा, आ जाएंगे सारा उसके बाद वाले जितने क्वार्टर्स होंगे पहले के बाद, फिर 75% कैपेसिटी पे प्लेट होगा। तो यहां से हम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बना हम क्वार्टरली शायद वर्किंग कर सकते हैं। वैसे करनी हमने क्वार्टरली है या सिक्स मंथली है, इस पर भी जरा ध्यान रखना, सही तरह चीजें अंडरस्टैंड करनी है। तो यहां से तो हमें प्रोडक्शन मिल जाएगी, स्टॉक का लेजर जेन में बनाया फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिर अब हमें ढूंढना क्या चाहिए आप बताए, तो स्टॉक की पॉलिसी ढूंढनी चाहिए, फिनिश गुड्स के स्टॉक की पॉलिसी, ताकि हम तो सेल्स का डिसीजन ले सके। फिनिश गुड्स अकाउंट बने रहेगा, प्रोडक्शन अगर मिल जाएगी तो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की स्टोरी कंप्लीट करके फिर सेल आए। अब स्टॉक्स की पॉलिसी ढूंढे, लेकिन कौन सा स्टॉक्स है इसका, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है बीच में डायरेक्ट मटेरियल यहाँ लिखा हुआ, तो इससे अगर फिनिश गुड्स की अगर पॉलिसी पढ़े तो 30 डेज की भी गेम क्या है, 30 डेज बजटेड ठीक होगी प्लीज, यानी बताइए प्लीज आपने वर्किंग शुरू कर दी। जी कौन सा लेजर, लेकिन फिलहाल यूनिट्स जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट सर, स्टार्टिंग पॉइंट डेट कौन सी है, यानी ब्रॉडर यूनिट्स इन्हें ढूंढना जाए। कमेंसमेंट 1 जुलाई 2021 ही है, 31 दिसंबर ईयर एंड रखिएगा। ये ब्रॉडर तो जीरो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, जी एट लैक एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि मंथली, अब क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाय 6
क्वार्टरली वर्किंग क्यों करनी पड़नी है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिफरेंट है, सेकंड में डिफरेंट है, हम इनटू सिक्स नहीं कर सके, महीने की कॉमन परसेंटेज नहीं है, क्वार्टर्स की डिफरेंट परसेंटेज है, वर्किंग हमने छह महीने, लेकिन हमें ये क्वार्टरली क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वार्टरली परसेंटेज डिफरेंट है, ठीक है सर। तो इंटू थ्री करके क्या है, बस गेम खत्म होगी, इंटू सिक्स 120,000 यूनिट्स, सॉरी सेल या प्रोडक्शन, वो एक ही चीज होती है। अच्छा वो रुपीज आते हैं यूनिट्स, ठीक है, नहीं मतलब ठीक सही है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स आए, अभी यूनिट्स का कॉल था मैं, इसमें अमाउंट के एंगल से एंट्री फिनिश गुड्स डेबिट वर्किंग प्रोसेस का। जी सर आगे, अब क्या हमें प्रोडक्शन निकाल, प्रोडक्शन से सेल निकालनी, चले ठीक है जी, अब मैं क्वार्टरली इस वर्किंग को कंप्लीट करूं या इसे सिक्स मंथली पूरा करूं, मैंने फर्स्ट क्वार्टर लिख लिया, सेकंड क्वार्टर की सर्विस, तो सोचे लेकिन इकट्ठा करके डेट ना, बल्कि चंदी को इकट्ठा करके भी लिख सकते थे, लिखने से एक मसला होना था, मैं फिर बताता हूँ क्या हो जाना, नहीं अलग अलग भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है, इशू नहीं है, लेकिन इशू कहाँ पढ़ना था बताता हूँ। नहीं वो तो हम यही अज्यूम करेंगे अगर एनुअल 8 लाख पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मंथली इतनी होगी, वो तो बल्कि पर्सन में लिखा होता है, ना भी लिखे हो नान भी लिखे हो तो ये अच्छा था करीबन, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है ना, ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्पेक्स क्लियर, दूसरी वर्किंग करवा दी डिवाइड बाय 12 इनटू 3 इनटू 75% 150,000 जी सर, ठीक है, अब ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ये 6 मंथ्स की प्रोडक्शन हो जाए जी, बस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब यहां से किसका कंसल्टेशन है, चाहिए पॉलिसी ढूंढने, थर्ड पैराग्राफ फिनिश्ड इन्वेंटरी वुड बी मेंटेन्ड एट एवरी 30 डेज बजटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, एवरेज इन नेक्स्ट क्वार्टर क्या करें, ठीक है ठीक है, कंसल्टेट होगा जो भी करने करने चले, ये एक मिनट करने जो कर, मुझे आंसर बताइएगा, तो डिफरेंट उसकी बेस शायद डिफरेंट हो सकता है जी, 50,000 आएगी करें तो ओपनिंग बेटा इसलिए जीरो क्योंकि ये फर्स्ट जुलाई पे ठीक है बैच फर्स्ट फर्स्ट जुलाई पे स्टार्टिंग जाने से अपने आंसर पे जरा क्लोजिंग जी सर, वेटिंग फॉर साइड सर, कैसे किए, अब इस वक्त आप खड़े कहाँ हैं, ये सीढ़ी निकालते हुए आप खड़े कहाँ, नहीं आखिर में तो क्यों बोलना जरूरी है, उसने नहीं, उसने जो स्टॉक की पॉलिसी दी है वो क्वार्टर्स की बेस पे दी है, तो आप यकीन 6 महीने बाद खड़े हैं, लेकिन इन अदरवाइज आप दूसरे क्वार्टर के एंड पे खड़े हैं, तो दूसरे क्वार्टर पे एंड पे अगर आप खड़े हैं तो थर्ड क्वार्टर की प्रोडक्शन ढूंढनी है, वो सेम इसलिए होगी क्योंकि उसने कहा था सबसिक्वेंट क्वार्टर्स में सेम है,
क्वार्टर्स को ढूंढने का मकसद इस वक्त ये है कि स्टॉक पॉलिसी क्वार्टर्स की बेस पे, वरना खड़े हम 6 महीने एंड पे। तो 6 months के एंड का मतलब हम सेकेंड क्वार्टर के एंड पे खड़े हैं, और सेकेंड क्वार्टर में से नेक्स्ट क्वार्टर का मतलब थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है, और थर्ड क्वार्टर सबसिक्वेंट क्वार्टर्स में आ जाएगा सर। तो फिर कितनी प्रोडक्शन? 8 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इंटू 75%, 1,50,000, और मल्टीप्लाइड बाय, या चले ठीक है यहाँ तक 150 आ जाएगा। 150 का क्या करेंगे? डिवाइड बाय 9 इंटू 30। अब डिवाइड बाय 90 क्यों है? क्वार्टरली, ये क्वार्टरली प्रोडक्शन की बेस पे 30 डेज का स्टॉक है, ऑब्वियसली 1/3 किया जा सकता है, 3 महीने। आंसर बताइए, 50,000। अब अगर किसी ने आंसर देखा हुआ है तो पंडित को खामोशी जरा इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि आंसर भी ठीक है। अगर किसी ने देखा आंसर की तरफ हम जाइए, इकट्ठा भी हो सकता है, क्वार्टरली भी किया जा सकता है, लेकिन कंबाइन हो सकता है, हो गया है। आंसर बताओ, 2,20,000 क्या है? किस क्वार्टर के? सिक्स मंथ्स क्वार्टर्स के नहीं, सिक्स। ये ऑनलाइन स्टॉक्स फाइनल, ये ठीक है। डिवाइड बाय 3 to 1 का मतलब 3 महीनों, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, इनटू 1 मींस 1 क्वार्टर, 30 डेज, 8 लाख। नहीं, ये क्लोजिंग पॉलिसी देखिए ना, नेक्स्ट क्वार्टर, तो हम सेकंड क्वार्टर के एंड पे खड़े हैं, तो सेकंड क्वार्टर के एंड पे खड़े होने का मतलब नेक्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर है। तो उसने कहा ऊपर ये जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट क्वार्टर में 60% कैपेसिटी पे होगी, और सबसीक्वेंट क्वार्टर्स में 75% कैपेसिटी पे होगी। तो सबसीक्वेंट में सेकंड भी आ जाएगा, थर्ड भी आ जाएगा, वही वर्किंग जो सेकंड क्वार्टर में की है मैंने, ऊपर ये प्रोडक्शन निकालते हैं वही पे नीचे की है, लेकिन उसको फिर 90 डेज इंटू 30 डेज, थोड़ा सा साइड पे हो गया, ठीक है। ये ठीक है जी, प्लीज ये ऑनलाइन शॉर्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है यार, बोल दिया यार, इससे ऊपर क्या करूं, क्यों करो सर जी, हिम्मत करें सर, मैं सेल ठीक है, 220 है यार, सिर्फ 220 है, 2 लाख वीजा नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह 220 अपने लिख लिया, इंशाल्लाह देखा तो 220,000 से गेम आगे बढ़ा, नहीं अभी बेटा मेरा ख्याल है अभी अभी अब ये भी सेम रखा ना, वर्किंग कर क्या रहा? हमने नहीं कैश फाइनल बना रही है, अब सेल्स फाइनल करें, रिसीव्स फाइनल, तो पहले यही रुके हैं, अभी कहाँ वो प्रोडक्शन, कहाँ हमारे रिसीव, कि एक दिन सवाल पड़े अगले दिन कंप्लीट हो जाए, कहाँ हमारे रिसीव में है, इंशाल्लाह 2,20,000 इसको जोड़िए आप, आपका आगे आखिरी पैराग्राफ पढ़े कल, उसमें परसेंटेज में हम फंसे हैं, ट्रेड सेल में कन्वर्जन करें, किसी की आवाज नहीं है, खामोशी से अपना और किसी को नजर, क्योंकि वो गलत हो, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक्त प्रॉपर स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, आवाज ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, बताइए मेरे को, जी ठीक है, थैंक यू, करें जी वर्किंग, लास्ट पैराग्राफ, हाँ जी 44,000 है, बड़े हो गए मेरे बाप, लिखा हुआ कैश सेल इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ क्रेडिट सेल,
अब हमें पता है कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू होती है टोटल सेल, पता है सर। अब ये परसेंटेजेस अगर पढ़ी जाए तो उसने 100 किसको रखा है, किसकी बेस पे आपको किसकी परसेंटेज बताइए, क्रेडिट सेल की बेस पे आपको कैश सेल की परसेंटेज। तो व्हाट इज 100 टोटल सेल, या ये हमारी चॉइस नहीं है, व्हाट इज 100 इट इज अ चॉइस ऑफ द एग्जामिनर। कहां लिखो 100 क्रेडिट सेल, कहां लिखो 20 25 कैश सेल, तो देयरफॉर 75 हो गई टोटल सेल, सॉरी 125। 2,20,000 क्या आया था टोटल सेल, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स डिवाइड बाय इनटू 25 करेंगे तो कैश सेल आ जाएगी, और इनटू 100 करेंगे तो क्रेडिट सेल भी आ जाएगी। आई होप कि जिंदगी एडवांस हो चुकी है। इज इक्वल टू बताइए 44,176 क्या निकल आया, कैश एंड क्रेडिट सेल रिस्पेक्टिवली निकल आया, लिखे कैसे वैसे ही कहा मैंने, वैसे ही मैंने कहा, मतलब अभी क्या करना था, अब सेल प्राइस चाहिए, अभी सिर्फ क्या है यूनिट्स आए, तो कैश से के यूनिट्स और क्रेडिट से यूनिट्स। वर्किंग्स है सर, डेफिनेटली वर्किंग्स में कोई पैटर्न नहीं है, साफ सुथरी वर्किंग्स होनी चाहिए आपकी गैर मौजूदगी में को देख सके। जी सर आगे बताइए आप क्या करना, अब चाहिए सेल प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट, अब सेल प्राइस पर यूनिट के लिए क्या करें, गेम सीरियसली होगी, कंसंट्रेशन रखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए और उसकी बेस पे वर्किंग होगी। जी अब मार्जिन दिया, मेरा तो ख्याल यूनिट से मार्जिन मल्टीप्लाई करता है जी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसने प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया, तो वी नीड टू हैव नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच शुड बी सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर अगर वो आ गई तो 80 होगी और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके सेल प्राइस आ जाएगी। तब हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखिए जी मेरे ख्याल बिखरी हुई 2 से लेकर आगे तक, अब ये वर्किंग आप लिखकर बिठा रही है, अब नोट कर चुके हैं सर जॉन स्टूडेंट्स, शुरू करें शुरू कर सकते हैं, कहां से शुरू हो रही है गेम, पॉइंट नंबर 2 से शुरू करें, पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी करने लगे ताकि किसी तरह सेल प्राइस तक पहुंचे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जी पर यूनिट, ठीक है पर यूनिट इसलिए ताकि हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकें। जी सर स्टार्ट लो डायरेक्ट मटेरियल, ₹360 पर यूनिट है, एक ही बात है क्या हो गया, क्या 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर इंटू 3.6 सॉरी 360, आंसर यार इसके अंदर नॉर्मल लॉस है, इसके अंदर नॉर्मल लॉस है, ये बात कुछ ना कुछ हो भी गई हुई है, इसमें रहना चाहिए, अगर ये नॉर्मल होता तो इसमें से निकाल के एक्सपेंस आउट अलग होना चाहिए, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट एलोकेट होके प्रॉफिट लॉस में लगा जाती है,
और अगर नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट हो तो इसी के अंदर रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर रहेगी। हाँ, अगर इसकी रिकवरी वैल्यू है तो वो भी लेस होगी। अब वो अगर आप यही लेस करना चाहें वो भी चॉइस है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी करके लेस करना चाहें तो वो हमारी चॉइस है। कॉस्ट इसके अंदर है लेकिन एलोकेट नहीं होगी, इसके अंदर ही रहेगी। हाँ, इसकी जो रिकवरी वैल्यू है वो लेस होगी। ठीक है, तो फर्दर बहस की जरूरत नहीं है, चले आगे। डायरेक्ट लेबर की बात, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल की बात। डायरेक्ट लेबर कितना, 1.2 × 240, 1.2 × 240, 288। नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ अगर कोई बीजे फिक्स है तो उससे कंसर्न नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना जरा। वेरिएबल ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल है, फिक्स नहीं होगा। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल में वेरिएबल ही होगा। किसके साथ रेट लिंक किया हुआ, कैसे करो, 1.2 × 180, 216। बस बात है तो भाई। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, ठीक है आपकी बात। इस तरह करें, मुझे आगे जरा ढूंढ के बताएं सारा, और वेरिएबल कॉस्ट है क्या क्या, और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट लेनी है अभी आप, ये ऑपरेटिंग वाली लेनी, टोटल लेनी हमने, तो एक मिनट लिखिएगा, नहीं मैं उसकी रीजन बताता हूँ। 94 लेना, ऑलरेडी पर यूनिट है, ऑलरेडी पर यूनिट ही है ये। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर थ्री, नहीं आराम आराम, पॉइंट नंबर थ्री में एक रिकवरी वैल्यू है, वो लेस होनी, तो वो भी करनी है। तो एक मिनट पहले पूरा देख रहे हो कि चाहिए क्या क्या। तो यहाँ से एक रिकवरी वैल्यू भी है 500 पर केजी, और वो भी 60% वाली गेम भी है, वो देख लेते हैं। आगे ढूंढे आप, पॉइंट नंबर फोर में एक मिनट रुके, वो सिर्फ एक सेकंड, फाइव में कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा दें, पॉइंट वन 28 लाख के है फिक्स्ड अमाउंट, 40 पर यूनिट सोल्ड है, ये भी फिक्स है, तो पर यूनिट फिक्स है, ये भी वेरिएबल है, पर यूनिट फिक्स है, वेरी करेगा सेल के साथ। आगे, एडमिन एक्सपेंसेस वुड बी 12 लाख पर मंथ, फिक्स है, सेल कंपेन में रहे, सेल कंपेन का कोई लिंक प्रोडक्शन से सेल से, ठीक है, ठीक है। अब जरा तरतीब ये होनी चाहिए, उस तरतीब की रीजन जरा ज़हन में रिवाइज करें। यहाँ पे पहले हमारे पास आनी चाहिए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी वजह ये है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो जो स्टॉक्स होंगे फिनिश गुड्स के, वो फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली से मैयर होके बनेगा। हाँ, ये भी हो सकता है फिलहाल वर्किंग करने बाद में अदा कर लें, वो भी चॉइस आपकी है कि फिलहाल हम सारा खर्चा इकट्ठा कर लें, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं स्टॉक्स पे अंदर फिनिश गुड्स के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे मैयर तो होंगे, लेकिन सारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स। अगर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हो तब भी प्रोडक्शन कॉस्ट ही लेनी है आपने, लेकिन उस वक्त फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी हिस्सा बन जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो स्टॉक का हिस्सा नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे फिनिश गुड्स के स्टॉक मैयर होंगे। मार्जिनल है तो सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और अब्सॉर्प्शन अगर है तो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कभी भी स्टॉक्स का हिस्सा नहीं, ठीक है, तो इसलिए सेग्रीगेट करो। और एक और चीज है, यहां से कभी रिकवरी वैल्यू लेस होना चाहिए ताकि नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो सके, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो टेक इट एज अ रवीन एज वेल। ठीक है, अब सोचें तो आप लोगों के इस तरह के आइडियाज पहले नहीं हुए, आज तो हो गए जी। रिकवरी वैल्यू आपने बता दी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें।
इजी है, उतनी उतनी उतना इशू नहीं है, उतना इशू नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सिंपल है। क्या ये क्या आंसर आ रहा है बताएं ना कैसे? हाँ जी 1.5 इनपुट है ना, इनटू 10% इनपुट के 10% कर रहा है, लेकिन लग रहा है उसका जो 40% है उसकी रिकवरी वैल्यू नहीं है, उसमें से सिर्फ 60% की रिकवरी वैल्यू है। तो 1.5 इनटू 10% मींस इनपुट का 10% लॉस आ गया, उसका 60% ने बिकना है, तो है केजीज में, इनपुट भी केजीज में है, तो केजीज केजीज ही गेम है। इनटू 60% इनटू 500 रुपीज पर केजी, तो 45 रुपीज बताएं क्या है, पूरा बताना है। रिकवरी वैल्यू पर यूनिट है, पर यूनिट भी है भाई, एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू आ गई है। आंसर पे क्या है, एक केजी की रिकवरी वैल्यू, तो शायद पूरा केजी लॉस नहीं हो रहा। 1.5 लिखे जल्दी से दोबारा, इनटू 0.1 करें, ये 0.15 बना, फिर उसका भी इनटू 60 शायद 0.09 हुआ, तो 0.09 इज द लॉस पर यूनिट, 0.09 केजीज इज द लॉस पर यूनिट फ्रॉम 1.5 केजीज, और फिर उससे मल्टीप्लाई किया आपने जब 500, तो 45 रुपए इज नाउ रिकवरी वैल्यू पर यूनिट बनाना क्यों जरूरी है, 500 लेस करके बात खत्म करते थे, हम पर यूनिट बचेंगे, तो पर यूनिट में से पर यूनिट रिकवरी वैल्यू ही लेस होनी चाहिए। 45 डन, आंसर यहां तक आएगा। ट्रिपल लाइन, व्हाट इज ट्रिपल लाइन, फाइनल अच्छे वर्ड्स, नेट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हिचएवर यू वांट टू से, डन, बाकी पूरा कर दिया। अदर ऑपरेटिंग कितने थे, ऑपरेटिंग पर यूनिट ही गिवन है, सीधे पर यूनिट गिवन है 94, और देन फिर 40 पर यूनिट नीचे रॉयल्टी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है ठीक है ना, और तो नहीं कर पाएंगे जर्नलिस्ट आपने देखिए सर। जी फाइनल 1133 मेरे पास, यहां से प्राइसेस निकल, कैश प्राइस अलग होगी और क्रेडिट मार्जिन अलग, कैश सेल प्राइस निकला क्या करेंगे, बेटा किया करो यार, कभी कभी आते हैं फिर क्लास में भी ऐसी है, वर्किंग करें वर्किंग करें, अप्लाई योर माइंड प्लीज, तेजी से चलना चाहिए। कैश सेल प्राइस, ऑनलाइन स्टोर से भेजेंगे कोई प्राइस भेजे, वैसा राउंड करनी पड़नी चाहिए, या सही आ गई, यानी कि वो गलत आ जानी थी ग्राउंड। 1133 डिवाइडेड बाय 18 into 100, ऐसे 1.16 बनेगा, अब राउंड ऑफ कर ले। क्रेडिट सेल प्राइस यही 1133 डिवाइड बाय हो जाएगा 75 into 100, 15, अब 1-1 कर दो, ठीक है सही राउंडिंग हो गई है। हाँ जी नहीं सर, ये लॉस रॉ मटेरियल का है, प्रोडक्शन का है ही नहीं,
रॉ मटेरियल का 10%, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, अगर आप कंज्यूम्ड कहेंगे वो 90% होगा, कंज्यूम्ड प्रोडक्शन नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। टोटल के साथ क्या मतलब? नहीं, टोटल के साथ हमने करना क्या, पहले तो ये सोचे ना, हमने तो सेल प्राइस पर यूनिट अब चाहिए, क्या ख्याल सेल सेल्स है, सेल प्राइस पर यूनिट, या फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ले लें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही होगा, फिर वो डिवाइड होगा, फिर यहाँ से पर यूनिट से मल्टीप्लाई। सर जी सर 1511 तो यूज है इन चीजों का, सही है सर, प्राइसेस आ गई है सर, क्यों आई है देखते जाए देखते जाए, वर्किंग ये तो 7-8-10 सफे बनने कम से कम। क्या करेंगे सर जी, कैश सेल्स फाइनल करेंगे, कैश सेल के यूनिट कितने आए थे, तो कैश सेल के अब रुपीज आ जाएगा 44,000 इंटू 1416 सर बताइए 62.304 मिलियन। इस पर कोई बहस नहीं है, जिसने जो लिख लिया वो ठीक है, मैंने पूरा लिखा, आप इसे जैसे राउंड अप कर रहे हैं आप प्लीज करें। क्रेडिट से 176,000 इंटू 1511 टू 65.936 मिलियन। तो 65.936 मिलियन ये टोटल सेल की इस वक्त हमें जरूरत नहीं है, अनलेस हमने प्रोसेस वगैरह बनाना, अब हमने इस वक्त बनाना क्या, कैश बजट, तो कैश बजट में कैश सेल लगा था और क्रेडिट सेल से तो अभी ये गेम आगे रहती है, ये भी क्रेडिट सेल आई है, डेफिनेटली टॉप प्लस हो जाएगा तो टोटल सेल आ जाएगी प्रॉफिट लॉस जी सर। लेकिन एक फिगर मिल गई मुझे लगा, कैश सेल्स का आंसर जो मिला है क्या इसी साल आना है, इसी 6 महीनों की ये कैश की फिगर है, पूरी एंट्री बोल रहा, कैश डेबिट होना है तो कैश कैश फ्लो में भी आना है, सेल प्रॉफिट एंड लॉस को भी, तो शुक्र एक फिगर तो होगी। रिसीट्स में फिगर आ गई सर फ्रॉम कैश सेल 6,234,000, आप डेफिनेटली इसके लिए अपने स्पेस छोड़ी भी है, आपका फर्स्ट पेज है, मेरा फर्स्ट पेज है, गुम गया बदलने के लिए 62.304 मिलियन। प्लीज आते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज आते हैं जी बेटा, डेटर अकाउंट आ गया वर्किंग, बोले जी डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट बताते हुए जरा डेट क्रेडिट का सेल्स की जरा पॉलिसी देखें, 40 days ऑफ सेल, जी सर ब्रॉड डाउन डेटर्स किस दिन जीरो, जी नेक्स्ट क्या डेटर अकाउंट में सेल्स, सेल्स भी पढ़ 265936
9360। ठीक है सर। डन सर। डेटर्स का क्लोजिंग निकालना। कैसे किए? कितने महीनों की सेल है ये? 6 months की अभी सेल है। तो डिवाइड बाय 40 days बनाना है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 180 इंटू 40। लेकिन माय डियर गेम हो गई ऑन। मसला ये जो सेल है ये इवनली नहीं है। ये सेल क्वार्टरली अलग अलग अब करनी जरूरी है। अपना फिनिश वर्ड्स का लहजा देखा। यहां अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इस तरह नहीं हुआ कि हमने 6 महीने की इकट्ठी वो जो प्रोडक्शन थी वो सेम निकली हो। वो 3-3 महीनों की प्रोडक्शन अलग है। मतलब मैं इस बात का ये है कि मैं इस वक्त लेजर मिटा चुका हूँ। अपने अपने कैंडी प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का लेजर सामने रखा। या मुझे जरा उसकी फिगर बता दो। नहीं, पहले क्वार्टर की प्रोडक्शन 120 और सेकंड क्वार्टर की 150। अब डेफिनेटली हमने इसे इकट्ठी सेल निकाली हुई वो ठीक है। सेल तो इकट्ठी निकली गई नहीं, लेकिन एक मिनट प्रॉब्लम सही तरह अंडरस्टैंड करिएगा। मसला ये है कि क्या हर क्वार्टर की सेल भी सेम थी? 6 महीनों की तो इकट्ठी आ गई है ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन थी पहले क्वार्टर में 120, दूसरे क्वार्टर में है 150। तो जो सेल आई है वो दोनों क्वार्टर का सम आया। अब अगर तो हमें इंफॉर्मेशन ना होती या कोई क्वार्टरली डेटा सॉरी मंथ 6 मंथली इन्फॉर्मेशन होती तो फिर तो हम वर्किंग कर लेते हैं। ये मेरी बात सही अंडरस्टैंड करनी है प्लीज। क्या हो क्या रहा? ये जो हमने सेल निकाली है ये कैसे निकली है? हमने प्रोडक्शन कमाई ली है ना, 6 महीने की सेल है। अब 6 महीने की सेल बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हर मंथ की सेल सेम है? फर्स्ट क्वार्टर की डिफरेंट है और सेकंड क्वार्टर की डिफरेंट क्यों है? प्रोडक्शन डिफरेंट है। अब जो आपने डेटर बनाना है, जरा डेटर के लेटर देखो। सेकेंड क्वार्टर के एंड पे बेसिकली आप इसका डेटर्स का क्लोजिंग ढूंढ रहे हैं। तो क्या सेकेंड क्वार्टर के एंड तक फर्स्ट क्वार्टर के सारे पैसे मिल गए होंगे? ये भी मैं अभी वर्किंग करूंगा आपके सामने, लेकिन जरा ध्यान से सोचना। ये जो सेकेंड क्वार्टर के एंड पे पैसे होंगे ये सिर्फ सेकेंड क्वार्टर की सेल के 40 दिनों के पैसे होंगे। फर्स्ट क्वार्टर के पैसे फर्स्ट क्वार्टर की सेल के पैसे 90 डेज में जब डिवाइड होंगे तो 40 डेज पॉलिसी है, 50 दिनों के उसी क्वार्टर में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर के एंगल से सोचें कितने फर्स्ट क्वार्टर में डेज होंगे, तो 90 में से 50 दिनों के पैसे उसी क्वार्टर में मिल जाएंगे और बाकी 40 अगले क्वार्टर में मिल जाएंगे। तो पूरी सेल के बेस पे 40 दिनों के पैसे आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे डेटर्स के 6 महीने के बाद। सिर्फ सेकेंड क्वार्टर की सेल के अगेंस्ट जो रिसीवेबल होगा 40 डेज का वो सेकेंड क्वार्टर के एंड पे आपका रिसीवेबल होगा। तो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी हमें डेटर अकाउंट देखा? कंबाइंड सेल हमें सेल का ब्रेकअप करना है क्वार्टर वाइज। क्यों करना? क्योंकि सिर्फ सेकेंड क्वार्टर की सेल के 40 डेज के पैसे क्लोजिंग होंगे 6 महीने बाद। इकट्ठी वर्किंग हो तो सकती है, लेजर 6 महीने इकट्ठा बन सकता है, लेकिन सीडी इकट्ठी सेल के बेस पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसमें फर्स्ट क्वार्टर की सेल भी है और सेकंड की, तो डिवाइड बाय 180 करके आप वो हम तब करते हैं अगर हमें ये पता होता है कि सेल इवनली है, लेकिन सेल इज नॉट इवनली, सेल इज डिफरेंट। क्या वाकई डिफरेंट है? अब एक मिनट इधर देखें, ये प्रोडक्शन का जो लेजर है पहले महीने पहले क्वार्टर में कितनी प्रोडक्शन 120। अब जरा एक सेकंड के लिए दोबारा जरा फिनिश गुड्स की पॉलिसी जरा फाइनल करें। कितने दिनों की गुड्स रखनी थी? लेकिन बजटेड प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में किस महीने की बजटेड प्रोडक्शन करें? वर्किंग वर्किंग करें। 150 बन जा रहा है।
फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे अगर खड़े हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर मीन सेकंड क्वार्टर, और सेकंड क्वार्टर की प्रोडक्शन इज 150 करें, एक मिनट फाइनल करना जर्नलिस्ट आप भी करने बताइए। फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे, फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे सेकंड क्वार्टर की बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे कितने यूनिट्स होने चाहिए, कैसे 50 150 डिवाइड बाय 90 इनटू 30, लेट मी कंप्लीट, आंसर आएगा 50। यहां सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 70 क्या आएगा, अभी भी ये फर्स्ट क्वार्टर के यूनिट सोल्ड है, क्रेडिट से ना कैसे ना गेम ऑन है, लेकिन आगे सेकंड क्वार्टर में क्या फिर ब्रॉट डाउन लूंगा मैं, सेकंड क्वार्टर में ब्रॉट डाउन लूंगा सर, अब सीडी कैसे बनाऊंगा, अब अगले क्वार्टर में भी 1.5 लाख की प्रोडक्शन है, तो ये आपका लेजर वही है, अगर अपना पुराना लेजर लिखेगा प्रोडक्शन का, एक नया काम शायद बीच में क्या रख रहा हूँ नहीं मतलब मैं क्वार्टर वाइज ब्रेक कर रहा हूँ, क्वार्टर वाइज क्योंकि ब्रेक कर रहा हूँ, इसके क्वार्टरली क्लोजिंग ओपनिंग बना रहा हूँ, आपने एक क्लोजिंग ओपनिंग क्यों नहीं बनाया दरमियान में, नहीं कैंसिल हो रहा है, वही क्लोजिंग वही ओपनिंग, आपने 6 महीने इकट्ठे देखे, तो आप जब वर्किंग करेंगे 6 मंथ्स की, तो 6 मंथ्स के स्टार्ट का ओपनिंग होगा, 6 मंथ्स के एंड का क्लोजिंग होगा, मैं अगर क्वार्टरली कर रहा हूँ तो मेरा क्वार्टरली क्लोजिंग होगा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में ब्रॉट डाउन भी होगा, लेकिन शायद अगर हम देखें तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, सीडी बनवाए 50 ठीक है, अब यहाँ आंसर क्या आएगा 150, अब ये 150 कैलकुलेट कर रहे हैं, 150 में इससे तरह क्रेडिट सेल निकल रहा है, 150 डिवाइडेड बाय बता 125 होना था, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना 120,000 यूनिट्स किए हैं सेकंड क्वार्टर की क्रेडिट से, जिसमें सिर्फ रिसीवेबल बचा है, तो गेम वाकई सीरियसली ऑन हुई है, हमने वर्किंग कटी कर दी, सिर्फ ये वर्किंग अब किसके लिए, सेकंड क्वार्टर की सेल से हम आपको क्लोजिंग डेटर्स मिले, ये मेरी बात समझ आ रही है प्लीज, पूरी सेल में क्या प्रॉब्लम है, 180 आपने जो किया उससे इवनली हो रहा है, हालांकि सेल इज नॉट इवनली ड्यूरिंग द ईयर, तो सिर्फ एक वर्किंग कर ले, चलो यहां तक तो समझ में ये बात पूरी हो रही है, इनटू क्या किया था आपने 150 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 120,000, इट इज क्वार्टरली सेल, इट इज द फर्स्ट क्रेडिट सेल ऑफ द क्वार्टर, बट डेफिनेटली से प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे, बाकी शायद कंप्लीट करने चाहिए आपको, 80 ये कर ले, वो तो मेरे ख्याल फिगर आ दें, फाइनल अगर आंसर बता देंगे तो आपको 805 समथिंग मिली, 80 पॉइंट समथिंग मिली ना, इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, ये हमेशा स्टूडेंट्स कुछ समझ आई मेरी बात की मैं क्या करी जा रहा हूँ, कर लें सर, और ये गेम में सिर्फ यही नहीं है, ये गेम हम रोज ऑन महसूस किया करेंगे, जिधर जाएंगे गेम ऑन हो जाएगी, जी बेटा अच्छा सॉरी 30 इनटू 30 डेज 150,000 इधर जान ले यार आप सही कर रहे हैं, कमाल हो गया, क्या आप अंधाधुंध लिख रहे हैं जी सर जी, बाकी का कुछ किया जा सकता है, एक मिनट के लिए इधर एक इसमें आंसर में टाइपिंग एरर एक जगह हुआ पेज नंबर 187 पे ही गया, कुछ बात समझ आ गई जहां तक भैया, ये जो पेज नंबर 187 पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनी हुई है मिल गया, इसमें जो पहली कैश सेल की फिगर है ना ये गलत टाइप हुई थी, 6,2,304 जो आपने लिखवाया था वही है,
लेकिन इसकी बेस पे जरा टोटल्स गलत हो गए हैं, बाकी फिगर्स तो ठीक है, ये जो टोटल इसकी बेस पे ना ये इसमें मिस्टेक हुई हुई है। फिगर कौन सी सिर्फ सही करने वाली है, ये कैश सेल बस लिखते हैं, बाकी फिर ऑब्वियसली टोटल्स गलत। तो अब एक अच्छा सा एफर्ट बनता है सर, आप इससे कीजिएगा जिस तरह चाहे वर्किंग शुरू करें, बेहतर ये रहेगा जहां जिस तरह अभी फंसे हैं, अभी फंसे हैं सीडी निकालते हुए फंसे हैं, फिर अगर जरूरत महसूस हो तो क्वार्टरली कीजिएगा। आप सारा सिक्स मंथली कीजिएगा, फिर सोचिएगा कहाँ कहाँ मजबूरन क्वार्टरली में जाना पड़ा, तब ज्यादा शायद लॉजिकली क्लियर हो, वरना सिंपली आंसर देख के करने की कोशिश से मेरे ख्याल यूजलेस। ठीक है, कर लेंगे कब तक, कितना टाइम देंगे आज, जितना लगेगा, बैठ जाएंगे तो उठ जाएंगे, दिल ही नहीं करना जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी आप भी इंशाल्लाह कल यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कोशिश करने से ऐसे फिगर्स आप मेरे ख्याल सोच सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।